की जाए अगर व्यापार की, तो खासकर से इस वक्त आज हम बात करने वाले हैं काशीपुर और रामनगर के व्यापारियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त व्यापारी बहुत ही ज्यादा समस्याओं से गुजर रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश शर्मा जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सुरागी लाल न्यूज के सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन प्यार। मेरा ये अब दोबारा मुझे अवसर मिला है और मैं आपके सम्मुख हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं जितने भी आपने जो जिक्र किया बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं व्यापारी वर्ग के सामने और ऑनलाइन की सेल्स और रिटेल में मुनाफा कम होना, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं। तो वास्तु के संदर्भ से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सर जैसे कि बात की जाए खासतौर पे अगर हम काशीपुर और रामनगर की ही जैसे बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं फ्लाईओवर की वजह से जो काशीपुर के व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं, तो क्या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाए कि अपनी दुकान को, अपनी शॉप को किस तरह से व्यापारी जो हैं वो थोड़ा सा उसे एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि पहले तो अभी ये दो चीज़ें हैं। देखिए आपने एक जिक्र किया बहुत अच्छा, काशीपुर में भौगोलिक जो स्थितियां हैं या कह लीजिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा ज़रूर है, हम इसको अभी इसके बाद में समझेंगे कि यहाँ के या रामनगर के जैसे अगर हम आज खास तौर से इन दो जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके शहरों में इनके वास्तु में ऐसा क्या है वो भी अभी हम समझेंगे। लेकिन पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि अगर व्यापार को बढ़ाना है तो वास्तु के हिसाब से किस तरह से अपने व्यापार को व्यवस्थित किया जाए। सबसे पहली चीज़ दो तीन चीज़ें हैं, आप देखते होंगे कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो बाज़ार में खासतौर से लोगों की फेसिंग एक तरफ होती है, वो उस तरफ होती है जिस तरफ से कस्टमर आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बाज़ार में जो कस्टमर्स के आने की स्थिति है उसका भी ध्यान रखें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वास्तु के हिसाब से मान लीजिए पूर्व की तरफ फेस करना अच्छा रहता है या उत्तर की तरफ रहता है तो आप केवल वहीं कर सकते हैं फेस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बाज़ार में कस्टमर किस तरफ से आ रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि अपनी सबसे पहले ध्यान दीजिए अपनी एंट्री पे, यानी कि जहाँ से कस्टमर एंटर हो रहा है। बहुत से लोग आपने देखा होगा दुकान के आगे वो सामान फैला रहता है और कस्टमर के आने की खासतौर से जहाँ पर जगह होती है वो जगह भी बाधित होती है। तो हमेशा पहला सिद्धांत याद रखिए कि अपनी एंट्री को बहुत व्यवस्थित साफ सुथरा करके रखिए ताकि कस्टमर सहूलियत से आ सके, क्योंकि कस्टमर ही लक्ष्मी है। अगर कस्टमर सही से इन होगा तभी आपकी समृद्धि बरकत अंदर आएगी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि वास्तु के हिसाब से आपका जो फेस है वो या तो पूर्व की तरफ रहे या उत्तर की तरफ रहे, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि आप जहाँ पर आप बैठे हैं उस जगह को बहुत व्यवस्थित करके रखें, वहाँ पर क्लटर ना रखें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो रद्दी अखबार सब एक जगह सब कुछ रख करके बैठते हैं, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो उस जगह को दूसरा सिद्धांत है साफ सुथरा रखिए। तीसरी चीज़ अपनी जगह पे इन्वर्टर और जो आग्नेय चीज़ों का आपने अरेंजमेंट किया हुआ है पावर सप्लाईज का उनका ध्यान रखिए। इनको नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में कभी भी व्यवस्थित मत करिए। अब सवाल उठता है अगर वहाँ पे आ गया है किसी का गलती से, वहाँ पे मंदिर की जगह कायदे में आपकी दुकान में आपके प्रतिष्ठान में नॉर्थ ईस्ट या उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वो ईशान कोण है, आपको सभी को मालूम है वो देवताओं का स्थान है, कोना है। लेकिन अगर वहाँ पे मान लीजिए पावर सप्लाई इन्वर्टर ये जगह बन गई है और हटाना मुमकिन नहीं है तो वहाँ पे आप क्या करिए उनके ऊपर एक मिरर लगा दीजिए, अच्छा बड़ा सा मिरर, और हो सके तो एल शेप में मिरर लगाइए, नहीं तो एक मिरर लगा दीजिए उसी के ठीक ऊपर ताकि वो कॉर्नर वर्चुअली थोड़ा बढ़ जाए जिससे कि आपकी वो जगह का दोष कम हो जाए। ये आसान काम है, इसको आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा तीसरा चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है अपने सेफ, अपने गल्ला जहाँ आप पैसे रखते हैं उसका ध्यान रखिए। तो उसको गले के अंदर आप पीला कपड़ा बिछा के रखिए, उसमें अभी मैं आपसे आगे बात करूंगा कुछ उपायों में तो उसमें मैं यंत्र बताने वाला हूं कि उन यंत्रों को आप रखिए अपने जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको काम करने में सहायक हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना कि किस तरह से जो व्यापारी हैं वो अपने दुकान को एक तरीके से सही तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं ताकि उन्हें परेशानियों से थोड़ी सी एक आराम मिल जाए। जिस तरीके से आपने देखा और अभी हमारी सहयोगी अनुश्री भारद्वाज ने अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पे
जो वास्तु विशेषज्ञ सोमेश शर्मा जी हमारे बीच में, उनसे वार्ता की। वहीं कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण जो है मेरी दृष्टि से या मेरे दर्शकों की दृष्टि से मैं समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति भी शायद वास्तु में, जैसे कि सर एक उत्सुकता मेरे मन में बचपन से रही है, जब हम देखते हैं कि घर का वास्तु ठीक नहीं है, हमारी दुकान का वास्तु ठीक नहीं है, तो क्या जिस क्षेत्र में हम, जिस क्षेत्रफल में हम रह रहे हैं उसके भी वास्तु होते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं काफ़ी समय से इस बात को ढूंढता रहा हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस देश में जाता हूँ, जिस क्षेत्र में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ के बारे में, वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी, वहाँ की उस भौगोलिक स्थिति का पता करूँ। तो मैंने आपको, आप जब आप रामनगर और काशीपुर, अभी हम दो जगह की बात करेंगे मानिक, यहाँ के जब आप नक्शों को देखेंगे, तो आप नक्शों को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ना एक बड़ी विशेष बात नज़र आएगी। इन दोनों शहरों में नदी या पानी का जो नेचुरल सोर्स है वो एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। कैसे? रामनगर को अगर आप जानते हैं तो रामनगर में जो कोसी नदी है, वो कोसी नदी पूरा पूरब से होकर के बहती है। रामनगर के पूर्व में कोसी नदी बह रही है, और वास्तु ये कहता है कि जिस जगह के पूर्व से पानी का स्रोत या कोई भी नेचुरल इस तरह का सोर्स है, नदी है, तालाब है, महासागर है, सागर है, तो वो जगह हमेशा प्रॉस्परस होगी। ठीक है, अब ये रामनगर में दूसरी एक चीज़ है कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, रामनगर का उत्तर पूर्व एक्सटेंडेड है। जब आप वहाँ का नक्शा देखेंगे और आप दर्शकों को दिखाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वो एक चोट जैसी उत्तर पूर्व में बढ़ रही है, वो तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो ऊंचाई भी लेते हुए जा रहा है, जबकि वो हिस्सा कायदे में ढलान होना चाहिए था, नीचा होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। तो रामनगर में एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे विकास बाधित है, मतलब वो शहर जितना उसमें क्षमता है वो बढ़ नहीं पाए, लेकिन ये है कि वहाँ सुख शांति रहेगी, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस इस तरह की चीज़ें कम हैं। अब इसके विपरीत काशीपुर आ जाते हैं, काशीपुर में आप देखेंगे जो हमारी ये नदी है ढेला, वो यहाँ के पश्चिम में आ जाती है, तो पश्चिम में होने से यहाँ पे क्या है कि, और प्लस यहाँ का जो क्षेत्रफल है, जो यहाँ का नक्शा है, अगर वो देखेंगे तो मोस्टली ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और साउथ की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब वहाँ पे साउथ ईस्ट एक तरह से एक्सटेंडेड है, जिस वजह से यहाँ क्या है, यहाँ का बाजार कभी आज तक सामान्य रूप से काम कर ही नहीं पाया, यहाँ डिस्टर्बेंसेस इस जगह में कुछ ना कुछ कुदरती हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है जो रामनगर में नहीं है, रामनगर में सब तरफ से वो पहाड़ जो है ना, वो पूरा जंगल पहाड़ वो ऐसी जगह में घेर रहे हैं जिससे कि वो शहर चाह कर भी उत्तर और पूर्व की तरफ विकसित नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, टाउन प्लानिंग में इस बात का अगर ध्यान दिया जाए कि रामनगर के दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ऊंची इंडस्ट्रीज आए, बड़ी बड़ी इमारतें बने, और काशीपुर को अगर हम पूर्व की तरफ ज़्यादा बढ़ाएं, उत्तर की तरफ ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं रामनगर रोड कितनी प्रॉस्परस हो रही है, आने वाले समय में शायद बाजपुर रोड भी उसी तरीके से प्रॉस्परस होती जाएगी, अगर ये क्षेत्र आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर काशीपुर में वो जो समस्याएँ आती हैं यहाँ के विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के विपरीत होने की वजह से, वो समस्याएं मेरा मानना है दूर हो सकती हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा ज़रूर कि टाउन प्लानर्स को इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यह तो एक प्राथमिक स्टडी है, इस बारे में अगर हम गहराई से चीज़ें देखेंगे तो हमें और भी बहुत सारे रोचक तत्व आपको देने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी डॉक्टर सोमेश शर्मा जी ने हमें बताया है कि कहीं ना कहीं काशीपुर में लगातार कोई ना कोई एक तरीके से मान के चले जो विपत्ति है वो इसी कारण से आती है कि वहां पर जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं काशीपुर में इस फ्लाईओवर का 7 साल से ना बनना, काशीपुर में लगातार कुछ ना कुछ व्यापारियों को दिक्कत आना, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पर भी काफी निर्भर करता है, जिसको लेकर टाउन प्लानर्स के जैसे अभी बात हुई है तो उनको इस विषय में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वही एक विषय और है, बात करें जैसे कि आपने अभी पूर्व में भी बात करी यंत्रों की, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम भी देखते हैं कि, क्योंकि हम खुद बनिए हैं, तो एक कुबेर यंत्र जैसे हम सुनते आए हैं, ऐसे कई यंत्र होते हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर घर में आपको लक्ष्मी को स्थिर रखना है, क्योंकि लक्ष्मी आती तो है लेकिन स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका निभाती है, तो लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए क्या जो है जो भूमिका है एक यंत्र निभाता है, और कौन से यंत्रों का हमें वहाँ पे अपने पास रखना चाहिए? देखिए मानिक जी, सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझिए कि हमारा आचरण ही सर्व प्रमुख है लक्ष्मी को प्रसन्न करने, कुबेर को प्रसन्न करने, या किसी भी पॉजिटिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए अपने आचरण, अपनी इंटेंशंस पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के जो ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के दर्शकों को और ख़ास तौर से जो व्यापारी वर्ग है उसको ये निवेदन करना चाहूँगा, बी हम्बल, बी काइंड टू योर कस्टमर्स,
उनके लिए अच्छा सोचिए, उनके साथ अच्छा जुड़ाव रखिए, वो खुद ब खुद आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि आप अपने आचरण को अच्छा रखें, क्योंकि लक्ष्मी भी तभी प्रसन्न होगी जब आपका आचरण अच्छा होगा। इसके बाद बात आती है कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो देखिए, शास्त्रों में वैसे तो बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन कुछ यंत्र ऐसे हैं जो व्यापार वृद्धि में या कस्टमर्स का फ्लो बढ़ाने में, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। उनकी स्थापना किसी ना किसी योग्य मार्गदर्शन में आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने कोई यंत्र उठाया और रख लिया। ऐसे तो हार्डवेयर आप फ़ोन ले लेंगे, लेकिन फ़ोन काम तब करेगा जब उसमें सॉफ्टवेयर होगा। तो यंत्र के साथ साथ उस यंत्र को प्रॉपरली सिद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। खास तौर से व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ये तो व्यापार वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। और एक और समस्या है व्यापारी भाइयों की, जब काम चलता है थोड़ा सा तो ऐसा होता है अपनी नज़र लग जाती है, उसके लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। वो अभी हम आगे टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको कुछ बताऊंगा, उसमें बताएंगे। लेकिन जैसे आपको खुद भी श्री मंत्र का पाठ, थोड़ा सा कुछ भी नहीं तो दुकान जब इस समय ओपन करते हैं उस टाइम पे भगवान श्री गणेश का, श्री मंत्रों का, लक्ष्मी के मंत्रों का, कुबेर के मंत्रों का 5-5 बार 11 बार जाप करिए, आचरण अच्छा रखिए, और समय समय पर दुकान के लिए, अच्छे के लिए, शुद्धि के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा पूजा या हवन बीच बीच में करते रहिए। तो उससे आपके व्यापार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो दिन रात चलता रहेगा। तो ये हमने जाने, आज काफी अहम मुद्दों पर हमारी बात हुई डॉक्टर सुमेश शर्मा जी से। और जैसे हम जानते हैं कि पिछली बार भी जब शर्मा जी आए थे तो एक टिप जो है इनके द्वारा दी जाती है व्यापारियों के लिए या सभी के लिए, हमारे खुद के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जो हमारे दर्शक हमारे बीच में, उनके लिए क्या टिप्स आप लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहली टिप मेरी यह है कि आप ना अपने ऊपर, खुद के ऊपर, अपने गुरु माता पिता सबके ऊपर, अपने शक्तियों के ऊपर भरोसा रखिए, और एकदम से अपने हार्ट को कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने दिल को छोटा मत कीजिए। हमेशा ये मत मानिए कि हमेशा किसी ने कुछ करा दिया मेरे ऊपर, तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे चीज़ों को ना सोचिए ना बढ़ावा दीजिए। खुद को सुरक्षित रखना आपका काम है, तो उस सुरक्षा के लिए आप, जैसे आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में घोड़े की नाल को आप लगा सकते हैं, घोड़े की नाल को व्यापारिक प्रतिष्ठान में शनिवार के दिन आप स्थापित करें, गंगा जल दूध से धो करके, और उसको स्थापित कर लें शाम के समय, 6 से 8 का टाइम अच्छा रहता है। दूसरा, इसके अलावा आप अपने दुकान में हमेशा शनिवार के दिन, आपने देखा होगा वो नींबू मिर्ची कुछ लोग टांगते हैं, इसी तरीके से आप लोग, मैं एक टिप दे रहा हूँ कि एक फिटकरी, खासतौर से मैंने साउथ इंडिया में तो इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता देखी, एक फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में बांध करके दुकान की मेन एंट्रेंस के ऊपर लटका देते हैं, और उसको वो बीच बीच में उसको थोड़ा सा साफ करके, शुद्ध करके फिर लगा देते हैं, और या उसको वो हर 3 महीने में चेंज करते रहते हैं, तो वो भी आपके दुकान में एक निगेटिविटी को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना आप प्रसन्न रहेंगे, अपने काम को प्रसन्नता से करेंगे, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करेंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो जैसे कि आज आपको, हमारे सारे दर्शकों को, एक खास बातचीत जो हमें देखने मिली है डॉक्टर सुमेश शर्मा जी से, और काफी टिप जो मिली है, तो काशीपुर और रामनगर के व्यापारी भाई, आप सभी लोग खुश हो जाइए, क्योंकि यदि आप ये सारी चीजों में से कुछ उपाय भी अपने लिए करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, तो आपके जीवन और आपके व्यापार में मुस्कुराहट बनी रहेगी, आपके चेहरे पर बनी रहेगी। इसी तरीके से जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ, और रोचक तत्व हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।